जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करदा कि तमाम दोस्त ठीक हो सो अल्लाह दे फजल करम नाल ते तमाम दी मालदारी ठीक हो सी। आज दा टॉपिक है वे कि कामयाब गोट फार्मिंग, ठीक है, मतलब कामयाब गोट फार्मिंग के चीज़ है, किन होंगी। इस वास्ते भाई जान पहली गल है कि बकरी जड़ा ना ये नबियां दा मतलब है माल है, नबियां दी सुन्नत है। 1,24,000 कमो पेश पैगंबर आए ते यही सुनने च आया कि तमाम पैगंबरां ने मतलब बकरी रखी है, पाली है, ठीक है। ते बकरी साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी जड़ा ना वो मतलब सेवा ही बकरी पाली आपने भी। बकरी ऐसा जानदार है कि जिदी मतलब जितनी खिदमत करे सो अल्लाह पाक द्वारा तो इतना ही राजी उसी। इस अलावा भी जितने जानवर घर पालतू होंगे उन्होंने खिदमत जरूरी होंगी है, ठीक है। तो इस चीज़ में सामने मद्देनजर रखते हुए ये मतलब काम स्टार्ट किया है तो अल्लाह पाक द्वारा दे और मेरे माल कारोबार बरकत पैन। ते एक तो ये गल हो गई। दूसरी गल है कि बकरी जेड़ा बंदा भी रखता है वो कोशिश करे कि किसी नाल दो नंबरी ना करे। दो नंबरी तो मुराद है सौदेबाजी विच जड़ा ना ठगी ठोरी ना करे। जे अगर कर सी तो कामयाब गोट फार्मर नहीं बन सकता, गरंटी है। उस अलावा नंबर दो जड़ा टेप है वो ये वे के कोशिश करो कि जानवरों नू जिस टाइम खोलना जिस टाइम बनना कलमा पाड़ के खोलो, कलमा पाड़ के जड़ा ना लाजमी बनो। अल्लाह पाक दे शुक्र अदा करो, जैलसी ना करो, हसद ना करो किसी का जानवर अच्छा वेख के, ठीक है। जबकि मतलब वेखने चाहिए शौकीन जरा एक दूसरे को जैलस होने हसद करते हैं, ठीक है। ये अल्लाह पाक का दिता हुआ माल है, अल्लाह पाक ही ये सन दिता ताकि असं भी खिदमत करिए, ठीक है। जानवर जिस को अच्छा उन्हें अप्रीशिएट करना चाहिए, ठीक है। उस बाद अगली गल आ गई कि कामयाब गोट फार्मिंग दे विच सब तो जड़ा मेन रीढ़ की हड्डी हैसीयत रखता है वो ब्रीडर है। ब्रीडर का चुनाव हमेशा सोच समझ के अच्छी ब्रीडिंग के लिहाज न करो, ठीक है। जितना अच्छा ब्रीडर हो सी इतनी दाड़ी जी फार्मिंग है वो अच्छी हो सी। ब्रीडर जिस टाइम दाड़े को अच्छा है तो फिर जहरी गल है एक साल नहीं तो दो तीन सालों के को एक अच्छी ब्रीड तैयार ही हो जाने। जबकि अगर वैसे तुम कोई ब्रीडर किसी अच्छी ब्लड लाइन की बकरी तुम खरीदनी, कोई अच्छा बच्चा खरीदना है तो वह बहुत ज़्यादा कीमती हो सी। एक ब्रीडर तुम खरीद लै सो तो काम मतलब ठीक हो जा सी इंशाल्लाह, ठीक है। एक ब्रीडर तो तुम मेहनत कर लै सो तो तीन साल की मेहनत जरा ना वो इंशाल्लाह निकलो सी। ब्रीडर जितना अच्छा पैसो ब्रीडर के क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अच्छा हो, कई दोस्तों नहीं पता, ठीक है। ब्रीडर हमेशा जड़ा भी लो अच्छी ब्लड लाइन होनी चाहिए, मतलब अच्छे खून का मालक होना चाहिए। बकरी दुध वाली भी होनी चाहिए, खूबसूरत भी होनी चाहिए। लंबाई हाइट बकरे को अच्छी होनी चाहिए, बगल चंगी होनी चाहिए, सिंग बैठ में होना चाहिए, नाक चंगा होना चाहिए, बगल ठीक होनी चाहिए, तंबे होने चाहिए, पूछली होनी चाहिए। कलर मेन चीज़ है, कलर कलर थोड़े अपनी पसंद पर डिपेंड करते तुम किस कलर का जरा ना ब्रीडर यूज़ करते हो, ठीक है। इस तो बाद तीजे नंबर पर या चौथे तो द्वारे को आ जा सी भाई तुम जरा ना अपनी मोर्टैलिटी ख़त्म करने की कोशिश करो। नाकारा जानवर जड़े ने उन्होंने सेल कर दो, ठीक है। जेड़ी बकरी द्वारे को नहीं सुनती दो ढाई साल तो उस बकरी ने रखने का कोई फायदा नहीं, इंतजार ना करो, कोई नवी बकरी खरीदो। उस अलावा जड़ा पंजवें नंबर पर गल है वो ये गल है कि तुम अपन भट्ठा जड़ा ना हमेशा संभाल के रखो। अगर भट्ठा संभाल के रखो तो अच्छे फार्मर बन सो। अगर भट्ठा ना संभाल के रखो, भट्ठा सेल कर दे सो तो फिर तुम अच्छे फार्मर ना बन सकते, क्योंकि तुम्हें पता है जो घर थोड़े बच्चे ब्रीड है वो के क्वालिटियां जी बहर तुम खरीदनी वाकई क्वालिटियां चंगी लग रही उस, लेकिन शायद वो इतनी क्वालिटियां की मालक बकरी ना हो। अपने घर की जी नस्ल है अपने घर की ब्रीड है वह नम जासो वो वाली पट्टा तैयार कर सो तो इंशाल्लाह फार्मिंग अच्छी हो सी। गोट फार्मिंग गोट फार्मिंग आके उस अलावा एक होर जो मेन